छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के शराबियों के इस चुनाव में पौबारा हो गई है। अब उन्हें छुपकर शराब पीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अधिकारियों ने चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थियों को खुलकर शराब बांटने की अनुमति प्रदान कर दी है और साथ ही इसके लिए एक रेट लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक शराब का खर्च उनके चुनाव के खर्च में जोड़ा जाएगा। नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं, जिसका खर्च बकायदा उन्हें अपने चुनाव खर्च में शामिल करना होगा। इसके लिए देसी और विदेशी शराब की रेट लिस्ट बकायदा छिंदवाड़ा में चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के साथ ही साथ अधिकारियों ने प्रत्याशियों को खर्च की मार्गदर्शिका के साथ सौंपी है। अधिकारियों द्वारा 883 शराब के ब्रांड की 30 पन्नों की लिस्ट प्रत्याशियों को सौंपी गई है। इसमें ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम और उसकी कीमत सब कुछ दर्शाया गया है। नियमानुसार नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसके लिए प्रत्येक प्रकार के व्यय की अलग अलग दरें भी निर्धारित हैं। हालांकि इस आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अभी ये कहना मुश्किल है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं या अधिकारियों द्वारा स्वयं के स्तर पर लिया गया निर्णय। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत करते हुए छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधु सिंह भरडिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से शराब की सूची और उसके दरें उपलब्ध कराने का मतलब है कि प्रत्याशी मतदाताओं को शराब पिला सकता है और उसका खर्च शामिल कर सकता है। इससे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है और शराब बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा कि अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही इस आदेश को तुरंत निरस्त करना चाहिए, क्योंकि यह अनैतिकता के साथ ही साथ संवैधानिक रूप से भी गलत है। एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी संक्षिप्त जाँच की गयी। इसमें ये पाया गया कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन है एक्साइज डिपार्टमेंट और जिला निर्वाचन कार्यालय के मध्य, जो कार्यालय इन प्रयोजन के लिए था, उसकी प्रति लिपिकीय त्रुटि से कुछ अभ्यर्थियों तक चली गई है। उसका कोई उपयोग उस अभ्यर्थी के लिए नहीं है। अमूमन ये दरें मंगाई जाती हैं कार्रवाइयों के लिए कि जब कार्रवाई होगी तो उसका मूल्यांकन किस दर से किया जाएगा, उसी के लिए है। और उस पत्र को यदि देखा जाए तो उसमें कहीं भी किसी अभ्यर्थी को कोई एंडोर्समेंट नहीं है। ये देखिए, बड़ा विचित्र बात है, इसको तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस आधार पर ऐसा परिपत्र जो है शासन ने जारी किया है या उनके अधिकारियों ने जारी किया है। ये नैतिकता के रूप से, सामाजिक रूप से शराब के प्रति जब हम कहते हैं कि ये समाज को बर्बाद करती है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रही है और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, दूसरी ओर सरकार जो है ये रेट तय करती है कि कौन से ब्रांड की दारू कितने में मिलेगी और उसका चुनाव में कितना खर्चा बैठेगा और उसके लिए बकायदा सर्कुलर जारी किया है। ये बड़ी ही चिंताजनक और निराशाजनक स्थिति है कि शासन ही खुद शराब को बढ़ावा देने की बात कर रही है। अभी तक तो वो दोनों जगह जगह दुकानें खुला करके शराब बेचने की बात कर रही थी, अब चुनाव में भी शामिल कर रही है। छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।